हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं अगेन आपके लिए लेट नाइट रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपको लेके, क्या उनके सोच में बदलाव आया है, क्योंकि आज फुल मून है। देखते हैं फुल मून का क्या इम्पैक्ट हुआ है उनके ऊपर, क्या थिंकिंग है उनकी आपको लेके, क्या सोच चेंज हुई है। ओके व्यूअर्स, तो ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोड़ी साइन के लिए होने वाली है, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना भी पार्ट यहाँ पे आपके साथ में रेजोनेट होता है उसे एक्सेप्ट करिए, उसके लिए क्लेम करिए। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आज रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पर्सन के क्या थॉट्स हैं इनको लेके, क्या फुल मून एनर्जी का इनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, क्या इनके थॉट्स चेंज हुए हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। सो प्लीज़ गाइड करिए। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी। सो वी हैव गाइज नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, एक ऐसी स्टोरी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, न्यू लाइफ है गाइज आज हमारे पास। ओके, एंड वी हैव गाइज बाय द बुक एंड टाइम टू गो। ओके व्यूअर्स, तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है टू बी फेयर। ओके व्यूअर्स, सो चलिए कुछ टैरो से भी देख लेते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। फुल मून एनर्जी का क्या इम्पैक्ट हुआ आपके पर्सन के ऊपर आपको लेके, क्या उनके थॉट्स चेंज हुए हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है। आज फुल मून एनर्जी है, बहुत कुछ मुझे उम्मीद है आपके लिए चेंजेस इनकी लाइफ में हुए होंगे आपको लेके। ओके व्यूअर्स, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, द सन, द किंग ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड्स एंड द जजमेंट। ओके व्यूअर्स, तो ये एनर्जी निकल के आई है। कुछ और भी देखते हैं क्या निकल के आया है। ओके, सो वी हैव गाइज नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड एंड व्यूअर्स वी हैव फाइव हैरियोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके व्यूअर्स, तो ये एनर्जी निकल के आई है। सो एक आज फुल मून की एनर्जी गाइज ये यहाँ पे दिखाती है कि आपके पर्सन की गाइज यहाँ पे एक सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास आया है, एक नेवर एंडिंग स्टोरी, यानी एक ऐसा प्यार, एक ऐसा लव, एक ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कहीं ना कहीं कभी एंड नहीं होगा, जो हमेशा ही लाइफ में कहीं ना कहीं रिवर्स बैक कर रहा है, एक नई शुरुआत करने की कोशिश हो रही है। एंड भी जो स्टोरी कभी एंड होने की कोशिश हो रही थी उसमें एक नई शुरुआत मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन गाइज एक न्यू थिंकिंग के साथ यहाँ पे लाइफ में, लाइफ को देखते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइज ये चीजें नजर आ रही है कि कुछ चीजें इनके सामने एक ऐसी, एक नए रूप में ऐसी निखर के सामने आई हैं जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, या इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो सकती है, या ये मेरे लिए एक ऐसा रोल प्ले कर सकता है रिलेशनशिप जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। तो गाइज यहाँ पे एक न्यू लाइफ इस रिलेशनशिप में मैं स्टार्ट होती हुई देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि गाइज आपके पर्सन गाइज एक फैमिली ओरिएंटेड गाइज यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, एक फैमिली को लेके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि लीड कर रहे हैं अपनी फैमिली को, यहाँ पे ही नजर आ रहा है। जो पर्सन जो पहले कभी छोड़ के जाना था, जाने की कोशिश कर रहा था रिलेशनशिप से, वो आज इस फैमिली को, यानी इस रिलेशनशिप को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फुल मून एनर्जी का इम्पैक्ट यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपका पर्सन एक फिर से चेन बनाने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, तो चेन बन रही है, फैमिली फिर से आगे बढ़ रही है। जो ये थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी थी, जो आपका पर्सन आपके लिए गलत कर रहा था, आपका दिल दुखा रहा था, आपके साथ में गलत बातें शेयर करता था, आपके साथ में नाराजगी बहुत ज़्यादा होती थी, हार्ट ब्रेक है, ट्रस्ट ब्रेक की एनर्जी है गाइस, वही पर्सन इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एक नई पॉजिटिव सोच के साथ वो आपकी लाइफ में दोबारा रिटर्न बैक कर रहा है। तो रिटर्न बैक की गाइज यहाँ पे एनर्जी है, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास जजमेंट है, हैरियोफेंट है, दोनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर एक नई शुरुआत होने वाली है, यानी जजमेंट हो रहा है आपके साथ में, डिवाइन जजमेंट कर रही है, ये पर्सन जजमेंट कर रहा है। जस्टिस की एनर्जी है गाइज, थ्री ऑफ मनी, एस ऑफ हमारे पास है गाइज, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपका पर्सन आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए जस्टिस करना चाहता है, आपके लिए एक्शन ले रहा है। इसके दिमाग में इस समय गाइज बहुत सारी थॉट चल रहे हैं आपको लेके, बहुत सारी विचार चल रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में फिर से कैसे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ गाइज। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है आपका पर्सन, जो कनेक्शन वो पास्ट में एंड कर चुका था। ठीक है गाइज, तो जो एंडिंग एनर्जी है वो रीस्टार्ट यहाँ पे हो रही है। डेफिनेटली गाइज यहाँ पे हमें सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी यही दिखाती है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप में आप आगे
आगे बढ़ रहे हो, एक साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, एक अच्छे समय की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो भी परेशानी एक दूसरे की लाइफ में आ चुकी है एक दूसरे को लेके, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही है। अब जो आर्ग्यूमेंट है वो शट डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि नई शुरुआत है, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। आपका पर्सन आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, फेस कर रहा है अपने कॉन्सिक्वेंसेस को कि मैंने क्या किया है उनको लेके। गाइस इसकी लाइफ में अग्रेशन वैसा वाला नहीं है जैसे पहले वो आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप का होता था। अब अग्रेशन ये है कि मुझे खुद से ही इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ठीक करना है, मुझे ही स्टार्ट करना होगा, मुझे ही रिवाइवल करना होगा। तो ठीक है, रिवाइवल एंड सर्वाइवल दोनों एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक्शन आपको नहीं लेना है, एक्शन आपके पर्सन लेने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो पर्सन आपको एक कहते हैं ना एक ऐसी सिचुएशन में डाल के चले गए थे जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, आपको लाइफ में यही लग रहा था कि मेरी लाइफ यहीं पर एंड हो गई है, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, जिस लाइक अकेलापन, जैसे इंसान को जैसे कहते हैं ना उसको अलग कर दिया जाए सोसाइटी से, उसको अलग कर दिया जाए घर से निकाल दिया जाए, वो पर्सन फिर किसी सोचता रहता है कि अब मैं लाइफ में क्या करूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो वही एनर्जी गाइस कहीं मुझे आपकी नजर आ रही है कि यानी आपको मुसीबतों के बीच में अलग अकेला छोड़ दिया इस पर्सन ने। अब वो पर्सन गाइस आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए कोशिश कर रहा है स्टैंड लेने की, आपके लिए कोशिश कर रहा है आपको आपकी लाइफ को ठीक करने की, आपको एक्सेप्ट करने की। तो गाइस यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी मुझे नजर आ रही है क्योंकि गाइस हमारे पास ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। ये पर्सन जैसे कि नींद से जाग चुका है। तो फुल मून की एनर्जी गाइस इसको शेकअप करके आई है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इसकी लाइफ में शेकअप हुआ है, इसको रियलाइजेशन कराया गया है कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है, अपनी डेविल एनर्जी के चक्कर में, एक थर्ड पार्टी के चक्कर में, और उस बंधन में जाके तुमने एक बहुत अच्छे टाइम को कहीं ना कहीं मिस किया। अब उठो, जागो और अपने रिलेशनशिप को फिर से संभालो क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तो आपके पर्सन को गाइस यहाँ पे रियलाइजेशन कराया गया है और आपके पर्सन इसीलिए फैमिली के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पे टाइम टू गो है, यानी अपनी जो पास्ट एनर्जी, जो डेविल है इसकी लाइफ के अंदर, जो एक थर्ड पर्सन है इसकी लाइफ के अंदर, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर, उसको छोड़ के आपका पर्सन गाइज उसको छोड़ दे रहा है। टाइम टू गो, यानी इसको टाइम आ चुका है, वो पर्सन आपकी लाइफ में से, यानी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में से, आपके पर्सन की लाइफ में से चला जाएगा और आपका पर्सन उस राह पे लौट के वापिस आएगा जिसको वो कभी भूल चुका था। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, अब वो टाइम आ चुका है। ठीक है, तो बहुत जल्दी गाइज बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि डेफिनेटली मेरा पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, अपने घर को संभाला, अपने परिवार को संभाला, हमारी फिक्र कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे लिए एक्शन लेता है, हमारे लिए काम करता है, हमें खुश करने की कोशिश करता है, लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मैं खुश हो गई हूँ, मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरी जो वाइफ है या मेरी जो जीएफ है मुझे छोड़ के जो चली गई थी, इतने टाइम के रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया, चली गई, वो रिटर्न बैक कर रही है संभालने की, इस रिलेशनशिप को, इस घर को संभालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये सारी चीजें गाइस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। ठीक है, जो आज की फुल मून एनर्जी है और नेक्स्ट फुल मून एनर्जी तक, ठीक है, ये 30 डेज का इंटरवल चलेगा। इस 30 डेज के अंदर लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। ये मैं कह सकती हूँ कि लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप जैसे आपने बहुत टाइम से जो आप सोच रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ को फिर से कनेक्ट कर दीजिए मेरे पर्सन के साथ में, मेरा पर्सन मेरी लाइफ में लौट के वापस आ जाए, मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस मिल जाए, मुझे मेरी लाइफ में करियर में मेरी ग्रोथ हो जाए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये सब कुछ अपने 30 डेज के अंदर कम्प्लीटली जरूर होगा। यहाँ पे ये एनर्जी बताने की आपको कोशिश कर रही है। अगर आप डिवाइन पे भरोसा करते हैं तो इस एनर्जी पे भी भरोसा करिएगा। जो यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है ये आपके साथ में गाइज जरूर ये होगी। ठीक है गाइज, तो आपके पर्सन की लाइफ में एट प्रेजेंट जो आपके थॉट्स नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में, वो यही नजर आ रहा है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से, इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलना है क्योंकि ये डेविल मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं खराब करने का काम कर रहा है। जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट थी, वो मेरी जरूर पूरी हुई, पर ये रिलेशनशिप मेरे टॉक्सिस का काम कर रहा है, यानी मेरी लाइफ में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसके होने से मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो इस पर्सन की, आपके पर्सन की लाइफ में रियलाइजेशन जैसे ही हुआ है, आपके पर्सन को रियलाइज कराया गया है, आपके पर्सन एक वेकअप एनर्जी के अंदर नजर आ रहे हैं आज की फुल मून से। और गाइज यहाँ पे फिर एक नई शुरुआत हो रही है। ओके वर्स, तो गाइज आज की ये एनर्जी निकल के आई है। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर गाइज की है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।